75वां अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस समारोह सुजानपुर में पंचायत भीड़ बगेड़ा में धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की और ध्वजारोहण करने के बाद मार्च पास्ट की सलामी भी ली। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को सलामी देते हुए स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कई संघर्षों के बाद देश आजाद हुआ है। आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस जिसे अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और जो देश को आजाद करवाने में शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। देश आजाद कैसे हुआ, क्या क्या इसके लिए करना पड़ा, ये बात देश की हर पीढ़ी को समझनी चाहिए। मात्र झंडा लहराने से देशभक्ति नहीं आती है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में अपना योगदान सभी को देना चाहिए और केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से लोगों को फायदा मिले, इसलिए घर द्वार तक उनकी योजनाओं को पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने आजादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव में मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, ये मात्र लोगों का प्रयास है जो ये काम सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि देश किस किस दौर से गुजरा है ये सभी को पता है, लेकिन लोगों के सहयोग से आज बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी पार करने में कामयाबी भारत को मिली है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि नशे को त्याग कर खेलों के प्रति युवाओं को अपना रुझान बढ़ाना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहिए और लोगों के सुख दुख में काम आना ही देशभक्ति है। देश आजाद हुआ और अब जो वर्ष 14 वर्ष कंप्लीट करने के बाद शुरू हुआ है तो 75वां वर्ष है, इसलिए इसको अमृत उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। 75 साल किसी व्यक्ति की जिंदगी में, किसी संस्था के जीवन में, किसी राष्ट्र के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तो ये सारा वर्ष जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम अनेकों उत्सव मनाएंगे और भारत को सुदृढ़ करके विश्व गुरु बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन देश को दिया है आपने सुना होगा, 1,00,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए खर्च करने की बात कही गई है। 75 वर्ष पूरे होने में जा रहे हैं, इसलिए 75 नई रेलगाड़ियां चलेगी जो देश के हर कोने को जोड़ देगी। अनेकों उपलब्धियां उन्होंने गिनाई है, बहुत लंबा भाषण था, लेकिन 75 का महत्व तो क्या है इसका जिक्र विशेष तौर पर उन्होंने किया है। इन वर्षों में जैसे अंजना जी ने कहा कि हम सचमुच आजाद हुए, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, आज देश की आजादी का दिन है, लेकिन 75 वर्ष पूरे करने के बाद एक सिंहावलोकन करने की आवश्यकता होती है। सिंहावलोकन पीछे मुड़कर देखना, जैसे कहते हैं शेर जब चलता है तो आधी यात्रा करके पीछे मुड़कर देखता है कितना सफर तय हो गया, कितना आगे बाकी है। देश ने 75 वर्षों में क्या किया है, आगे हम क्या करने जा रहे हैं। कल सोशल मीडिया में अटल जी की एक कविता बड़ी सर्कुलेट हो रही थी कि आज़ादी अभी अधूरी है, शायद उसी की गूंज अंजना जी की आवाज़ में थी, अधूरी थी लेकिन पूरी होने जा रही है। आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर में हमारे हजारों सैनिक शहीद हुए, हम कहते रहे जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हम धारा 77 खत्म करेंगे, हम 35 से खत्म करेंगे, जम्मू कश्मीर का पूरी तरह विलय हिंदुस्तान में करेंगे, लेकिन कुछ शक्ति ऐसी थी जो उनको रोकती रही। मई 2019 में आपने दूसरी बार लगातार
मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें दी और 5 अगस्त 2019 को 2 महीने के अंदर ही मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने धारा 370-35 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर का विलय पूरी तरह से हिंदुस्तान में हो गया। इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का स्थानीय जनता के द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और ढोल नगाड़ों की थाप पर फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। नारे लगा